स्टूडेंट्स अपडेटेड बच्चों का जो बच्चे सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं प्रैक्टिकल 2020, तो जिससे आप सब जानते हैं कि कुछ समय से न्यूज़ आ रही थी कि सीबीएसई जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स को एक्सटर्नली करना चाहते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, आपके थ्योरी का जो एग्ज़ाम होता है वो दूसरे स्कूल में होता है, एक्सटर्नली होता है, उसी तरह आपका बोर्ड का जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो भी एक्सटर्नली कराने की सोचा जा रहा था। पर लेकिन इस बारे में अब डिसीजन आ चुका है कि सीबीएसई ने कहा है कि जैसा आपका पहले हुआ करता था आपके सेम स्कूल में, उसी तरह आपका एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं होने वाला है। सो अब यही न्यूज़ है कि अब जो सीबीएसई डिसाइड करा है, तो अब इसका क्या रीज़न है ये मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है कि डिसीजन क्यों चेंज करा गया है, पर डिसीज़न अब यही है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी स्कूल में होगा जिस स्कूल से आपने अपनी जो क्लास 12th कर रहे हैं उसी स्कूल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी बच्चों के लिए अच्छा भी रहेगा, काफ़ी बच्चों के लिए नहीं भी रहेगा। ऐसा इसलिए नहीं रहता क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो थोड़ा सा सोर्स वाली बात हो जाती है, और कई बार टीचर जो थोड़ा भेदभाव कर देते हैं, जो फेवरेटिज्म होता है टीचर्स के प्रति वो थोड़ा सा बदल जाता है, एक बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दे देगा, एक बच्चों को कम दे देगा, तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, काफ़ी बच्चों को फ़ायदा ही मिलता है। तो वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है वो क्या सोचते हैं, पर मेरे हिसाब से आपके लिए एक्सटर्नली लेना ज़्यादा सही रहता, पर कोई बात नहीं है, अगर इंटरनली हो रहा है तो आई होप आने वाले कुछ सालों में इसमें सीबीएसई दोबारा सोचेगी इस बारे में। तो यही अपडेट से बच्चों के लिए जो बच्चे अभी क्लास 12 कर रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में मिल गई हो। कोई भी आपको क्वारी हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोली फॉर ऐप पे कॉल भी कर सकते हैं। कोली फॉर ऐप की मेरी आईडी है vigyoclasses@cm4, कोली फॉर ऐप प्ले स्टोर डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी नया अपडेट आता है, नोटिस होता है, बात करेंगे। थैंक यू।